पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके बारे में आपने जानने की कोशिश की है कि वो कितनी रोचक और रहस्यों से भरी है। अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं पृथ्वी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ग्रह पृथ्वी का वजन लगभग 6 सेप्टिलियन किलोग्राम, जिसका वजन लगभग 55 क्विंटल ब्लू व्हेल जैसा ही है, पृथ्वी पर सबसे भारी प्राणी है। आम धारणा के विपरीत पृथ्वी को एक चक्र पूरा करने में 24 घंटे नहीं लगते, वास्तव में इसे पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं और खगोलविदों को इस दिन को एक दिन कहते हैं। पृथ्वी पर एक वर्ष 365 दिनों के रूप में व्यापक रूप में सोचा नहीं गया है, बल्कि 365.2564 दिन है। अतिरिक्त 2564 दिन वो होता है जहां हर फरवरी को लीप ईयर या हर 4 साल में अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। कभी आपने सोचा है कि लोग पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका है। पृथ्वी को कवर करने वाले 70% पानी में से सिर्फ 3% पानी ताजा है और 97% पानी नमकीन है। इनमें से 2% तो बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में रहता है, जिसका अर्थ 1% से कम पानी झीलों और नदियों में है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी सबसे चमकदार ग्रह में से एक क्यों है? जिस तरह से पानी सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करेगा, जिस तरह से इसे दूर से देखने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी में 3 अलग अलग परतें हैं, क्रस्ट, द मेंटल और कोर, और इन 3 अलग अलग परतों में से प्रत्येक अलग अलग तत्वों से बना है। क्रस्ट में 32% आयरन, 30% ऑक्सीजन, 15% सिलिकॉन, 14% मैग्नीशियम, 3% सल्फर, 2% निकल, जो कि कुल मिलाकर 96% है, और अन्य 4% कैल्शियम, एल्यूमिनियम और अन्य विविध तत्वों की ट्रेस मात्रा से बना है। मेंटल पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है, जो लगभग 2970 किलोमीटर मोटी है। ये पृथ्वी की कुल मात्रा का लगभग 84% है। पृथ्वी के कोर में 2 परतें होती है, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। हालांकि विशिष्ट प्रतिशत अज्ञात है, पृथ्वी की कोर की बाहरी और भीतरी दोनों परतों के मुख्य रूप में आयरन और निकेल है। माना जाता है कि पृथ्वी की कोर की बाहरी परत तरल है, जबकि कोर की भीतरी परत को सूर्य के समान गर्म माना जाता है। पृथ्वी की कोर के अद्वितीय निकेल आयरन गुणों के कारण, जो पृथ्वी के रोटेशन के साथ युग्मित किया जाता है, तो पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से घिरा होता है, जो इसे सौर परिवार के प्रभाव से बचाता है। पृथ्वी का घूर्णन धीरे धीरे कम हो रहा है, हालांकि ये इतनी न्यूनतम रूप से लगभग 17 मिलीसेकंड प्रति सौ वर्ष धीमी हो रही है। ये पृथ्वी के 25 घंटे के दिनों का अनुभव करने से पहले लगभग 140 मिलियन वर्ष होगा। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से पृथ्वी सबसे घना है, जिसका घनत्व लगभग 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। हमारे सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बुध है, जिसका घनत्व 5.427 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी ग्रीक या रोमन भगवान के नाम पर नहीं है। पृथ्वी का नाम पुरानी अंग्रेजी और जर्मनी के संयोजन से आता है और इसे द इओरे और मीन अर्था से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्राउन। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके तीनों रूपों उपलब्ध, जैसे कि तरल, सॉलिड और गैस में पानी है। पृथ्वी की सतह का एक तिहाई हिस्सा आंशिक या पूरी तरह से रेगिस्तान है। पृथ्वी को प्रति सेकंड 100 बार बिजली से मारा जाता है, प्रतिदिन 8.6 मिलियन बार। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी वास्तव में आकार में गोल नहीं है, ये भू आकृति है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल आकार में भूमध्य रेखा की ओर हल्का सा उबार होता है, जो पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। पृथ्वी सिर्फ 150 से 200 मिलियन वर्षों से ही अस्तित्व में है। ये सिद्धांत है कि पृथ्वी लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी लगभग 66 डिग्री पर चुकी है। पृथ्वी के बारे में आपको दिलचस्प तथ्य जानकारियाँ कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप तक ऐसी और भी कई जानकारियाँ तथ्य हर रात 9 बजे यूं ही पहुँचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।